हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैथमेटिक्स की एलसीएम एचसीएफ की पांचवी क्लास है, और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एलसीएम एचसीएफ जो होते हैं वो अगर अगर आपको डेसिमल नंबर्स के होते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, डेसिमल नंबर के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, और जो था फ्रैक्शन नंबर का था एक्सपोनेंशियल का, यानी कि जो घातांक होते हैं उनके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, और फिर था घातांक के बाद आपको बताया गया था पॉलिनोमियल जो कि बहुपद होते थे, बहुपद का एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको बताया जा चुका है। और जो आज की क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास है, वो है अब एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार एलसीएम एचसीएफ से जो प्रश्न आते हैं, वो तो बेसिकली क्लास थी चार क्लास जो आपको बताई गई है वो बेसिक था कि किस प्रकार एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया जाता है किसी भी नंबर्स का, या फिर वो पॉलिनोमियल हो, या फिर नंबर सिस्टम में कोई फ्रैक्शन के रूप का हो, या फिर डेसिमल के रूप का हो नंबर, या फिर इंटीजर हो। तो ये सब आपको बताया जा चुका है। अब ये बेसिक क्लास कंप्लीट होती है, यहां से आपको टाइप बताए जाएंगे कि एलसीएम एचसीएफ के कितने प्रकार के जो प्रश्न है वो एग्जाम्स में आते हैं, किस प्रकार प्रश्न को एलसीएम एचसीएफ को घुमा सकता है, ठीक है। तो यहां से वर्ड के रूप में अब हम चलेंगे, ठीक है, शब्दों के रूप में, शब्द के रूप में हमें प्रश्न मिलेगा। तो ये जो पार्ट फाइव है, पार्ट फाइव में हमको पढ़ना था क्या सर, टाइप भी, टाइप फाइव पढ़नी थी हमें, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रश्न है वो किसके बेस पर होगा, किसके बेसिस पे बताया जाएगा, तो होगा एचसीएफ पर आधारित, एचसीएफ पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। यानी कि एचसीएफ से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो केवल जिसमें हमें एचसीएफ निकालना होगा, उसका क्लू क्या, हम कैसे समझेंगे कि इस प्रश्न में हमें एचसीएफ ही निकालना है। तो देखिएगा, एचसीएफ के बारे में आपको बताया गया था कि एचसीएफ का होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है क्या है, हाईएस्ट मतलब होता है उच्चतम या बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है उच्चतम, या कहा जाए बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, या कहा जाए महत्तम, महत्तम भी बड़े को ही कहते हैं। यानी जब भी कभी भी आपको बड़ी से बड़ी नंबर ढूंढने की बात करें, लार्जेस्ट नंबर की बात करें, हाईएस्ट नंबर की बात करें, या हिंदी में उच्चतम कहे, बड़ी से बड़ी कहे, महत्तम कहे, तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना है कि क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको ये बात कहे, उच्चतम कहे या महत्तम कहे या बड़ी से बड़ी कहे, लार्जेस्ट नंबर कहे या फिर हाईएस्ट नंबर कहे, तो आपको समझ जाना है कि जहां हमको बड़ी संख्या की वो बात कह रहा है या बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो आप हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना होता है। किसी भी नंबर का हो, किसी भी प्रकार का वो प्रश्न हो, अगर बड़ी से बड़ी नंबर की बात कर रहा है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिएगा एचसीएफ पर आधारित प्रश्न का पहला, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बात समझिएगा कि प्रश्न को कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें एचसीएफ निकालना है, इसमें एलसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 64, 80 और 96 को पूर्णतः डिवाइड करे, ठीक है, 64, 80 और 96 को क्या करे, पूर्णतः विभक्त करे, कंप्लीटली डिवाइड कर देनी चाहिए। तो यहां से आपको पढ़ते ही पता हो जाना चाहिए कि बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, यानी हाईएस्ट नंबर की बात कर रहा है, और हाईएस्ट मतलब होता है एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 64, 80 और 96 का एचसीएफ निकालने का दो तरीका आपको बताया गया है, या तो 64, 80 और 96 का डायरेक्ट आप फैक्टर रूल अप्लाई करिए, तो क्या होगा, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूनी बत्तीस, दूनी चौसठ, चौसठ का हो गया। अस्सी की बात करें, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, पांचे अस्सी। छियानवे की बात करें, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूनी बत्तीस, तियाई छियानवे, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब इसमें जो 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 कॉमन है, हाइएस्ट और कॉमन भी होना चाहिए, देखिए दो दो मिल रहा है, ये दो दो मिल रहा है,
ये दो दो मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, अब ये कोई नहीं मिल रहा। तो यहां से आपको पता चला कि जो HCF होगा वो क्या पता चला, दो 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 दो, चार दो का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिएगा क्या होगा, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, और नंबर्स क्या मिला आपको, सोलह। तो इसका आंसर क्या हो गया, वही वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे, वो भी पूर्ण रूप से, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो बात समझिएगा, 16 से अगर हम डिवाइड करें तो 16 से कितनी बार में 64 जाएगा, चार बार में खत्म। 80 की बात करें तो 80 को भी डिवाइड करेगा पांच बार में, और 96 की बात करें तो 96 भी छह बार में डिवाइड हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचा। और बड़ा से बड़ा नंबर है, इसके अलावा इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये तो आठ से भी कटेगा, ये भी आठ से, ये आठ से, आठ से तीनों कट जाएगा, तो आठ से भी तीनों नंबर डिवाइड होंगे, लेकिन वो बड़ा से बड़ा नहीं कहलाएगा, वो छोटा नंबर होगा। तो जो सबसे बड़ी नंबर होती है वही कहलाती है HCF, ठीक। ये था हमारा क्या फैक्टर रूल था। अगर आप चाहते कि आसानी से सॉल्व करें तो आपको बताया गया कौन सा रूल, डिवाइड रूल। डिवाइड मेथड भी बहुत ही जो था डायरेक्ट, दोनों में जो सब इन तीनों में जो सबसे क्या है, दो का पेयर ले लिया, 80-64 का ले सकते हैं, 80-96 का ले सकते हैं, ठीक है, दो का आस पास पास की दो नंबर्स का पेयर लेते हैं और डिवाइड मेथड अप्लाई करते हैं। देखिएगा एक बार जाएगा 64, माइनस करिए 60 आ गया, और 16 में क्या करेंगे, अब 64 को ये जो होता है राउंडिंग यहाँ पे आ जाता है, कई बार जाएगा 64 जा 64, देखिए ये हो गया आपका डिवाइड। तो जिससे ये पूर्णतः डिवाइड होता है वही हमारा HCF कहलाता है। ये देखिए कितनी शॉर्टकट से हो गया। तो हमेशा HCF निकालने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो है आपका डिवाइड मेथड, ठीक है ना। तो ये था पहला प्रश्न, अब आते हैं दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा, देखिएगा, एक कमरे की बीमा, बीमा मतलब होती क्या है, बीमा मतलब क्या होता है बताइए, तो बीमा मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहते हैं, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। ये देखिए, ये कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही है, तो तीन बीमाएं दिया, ये 18 है, ये क्या है भाई, ये 36, और कौन बचा, ये हो गया, ये बच गया 54, ठीक है ना। तो एक ऐसा पैमाना बताइए जो तीनों की लंबाई को क्या करे, माप सके, और ये भी कह रहा है क्या, बड़े से बड़ा होना चाहिए, यानी तीनों बीमा को मापने वाला एक पैमाना लाना, स्केल लाना है। अब जाएंगे, मान लीजिए आपको लेना है स्केल, तो आप ले लेते हैं स्केल क्या, 6 मीटर का, 6 मीटर का स्केल ले लिए, तो आप 6 मीटर से नापेंगे तो इसको दो बार में मापेंगे, इसको 6 के 6 बार में मापेंगे, 6 6 6 36 होता है, इसको 9 बार में मापेंगे ना, 9 टाइम्स में, तो 6 9 54, तो बताइए 9 बार में मापने से अच्छा है कि हम कोई बड़ा पैमाना ले लें जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वही ना बड़ा पैमाना हो गया, यानी बड़ा मतलब क्या, HCF। तो 18 हो गया, उससे बड़ा कौन, 36, उससे बड़ा 54। किसी भी दो नंबर्स को आप लेके ले चल सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड वाला ले लेते हैं, 36 हो गया 54, कई बार जाएगा, एक बार, 36 ये हो गया आपका 4 8 8 16, देखिएगा 36 हो गया 54, तो यहां से आपका गया ये 14 में से 6 गया 8, और ये हो गया ये माइनस कर दीजिए, अब ये जो 36 होता है यहाँ पे रिटर्न चला आता है, ठीक है, 18 दुनी 36 36 कैंसिल हो गया, जिससे ये पूरा डिवाइड हो गया वही होता है हमारा क्या, HCF। यानी HCF क्या मिल गया आपको, मिल गया 80 मिल गया, और 80 से तीनों को डिवाइड किया तो 18 बार में, देखिएगा ये एक बार में काटेगा, ये आपको 18 से दो बार में काट दिया, और ये 18 से तीन बार में कटेगा, ठीक है ना। तो तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला यानी मापने वाला पैमाना क्या है, 18 सेंटीमीटर, यह क्या मीटर है, तो 18 मीटर यहाँ पे इसका आंसर है, क्या हो जाएगा, 18 मीटर। ये था HCF पर आधारित प्रश्न, HCF को पकड़ने यानी कि क्वेश्चन को समझना है तो बस बड़े से बड़ा या उच्चतम या महत्तम या हाईएस्ट, इस वर्ड को पकड़िए, शब्द को पकड़िए और समझिए कि क्या करना है, उसमें आपको HCF निकालना है। अब आते हैं सेकेंड प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है, HCF पर तो आपने समझ गया कि HCF में क्या करना होता है, लेकिन अगर HCF के
शेष पर आधारित कोई प्रश्न आता है, यानी कि एच सी एफ के शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है, एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यानी एग्जाम्स में शेष पर से, एग्जाम्स में एचसीएफ के शेष पर और एलसीएम के शेष पर ही प्रश्न उठता है। आपको ये नहीं कहेगा कि 12 और 14 और 16 का आपको निकालना है एचसीएफ या एलसीएम, नहीं, कहेगा शेष पर आधारित प्रश्न। और ये जो है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम्स के लिए टॉपिक, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से एग्जाम में आए हुए हैं और उसको किस प्रकार से कम समय में आपको सॉल्व करना है। ठीक, आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न जो कि एचसीएफ के शेष पर आधारित है, और एचसीएफ के शेष पे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, यानी दो प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में बार बार आते हैं और इसी प्रकार से शेष पर प्रश्न बनते हैं। तो किस प्रकार हम शेष के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखिएगा, रिमाइंडर होता है, यानी शेष मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है ना, बात समझिएगा, शेष को क्या कहते हैं, रिमाइंडर पर आधारित। देखिएगा ये एचसीएफ एचसीएफ के रिमाइंडर बेसिस पे जो प्रश्न बनते हैं वो है। तो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या करना है, 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, यानी वो मैक्सिमम जो बड़ा से बड़ा हाईएस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, जो तीनों नंबर्स में, जो यहाँ पे तीन नंबर्स दिए गए हैं उनमें हम डिवाइड करें जब उस बड़े से बड़े नंबर से, तो हर कंडीशन में 9 ही हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए, यानी जो भी नंबर से हम डिवाइड करें, चाहे हम इससे डिवाइड करें या इसमें डिवाइड करें या इसमें डिवाइड करें उस नंबर से, तो 9 हमें रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी शेष आपको 9 मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एग्जाम्स में आप किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कंडीशन वही है, पहले जो यहाँ पे हर कंडीशन में जो शेष बच रहा है, शेष क्या है, 9 है, यानी इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में 9 शेष बचा है उस नंबर से डिवाइड करने पर, तो हम क्या करेंगे, जब संख्या एक ही संख्या तीनों में शेष बचती है तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को हम माइनस करते हैं, ठीक है ना, उस संख्याओं में से शेष को माइनस कर दीजिए, ये 9 है ना, तीनों में 9 शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है, तो उन तीनों संख्याओं में से 9 को माइनस कर दीजिए, यहां से 134 में से 9 घटाएंगे 125, यहाँ पे माइनस करिए 9 तो हो गया 150, और यहाँ पे 9 माइनस कर तो हो जाएगा 175, ठीक है ना। अब ये हमें संख्याएं मिल गई, यानी ये जो संख्याएं हैं, ये तीन संख्याएं आपको मिल गई, और इन्हीं तीनों संख्याओं को हमको निकालना है अब एचसीएफ, और वही हमारा होगा आंसर, ठीक है ना। तो रूल क्या है, 125 से बड़ा कौन, 150, 150 से बड़ा कौन, 175, किसी भी दो संख्याओं को ले लीजिए, आपका एचसीएफ वही आंसर होगा। तो 125 और 150 को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, रूल बताया गया डिवाइड मेथड, एक बार जाएगा 125, यहाँ पे 25 हो गया, माइनस हो गया, 125 को यहाँ पर लेते आइए, 125 कितनी बार में जाएगा भाई, 25 पांच 125 होता है, ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना, क्या आंसर मिला, 25, यानी आपका एचसीएफ जो हो गया 25 हो गया, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। यानी कि जब शेष समान बचता है तीनों संख्याओं में, तो उस कंडीशन में क्या की जाती है, उस शेष को हम माइनस करते हैं उन तीनों नंबर्स में से, और जो भी हमें माइनस करने के बाद नंबर्स फाइंड होते हैं उन्हीं नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं, और वही जो एचसीएफ होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि क्या इन तीनों में से डिवाइड करने पे आपका क्या 9 आ रहा है। देखिएगा 134 में जब 25 से डिवाइड करें तो 25 पांच 125 होता है, देखिए 9 बच गया, ठीक है ना। अब 159 की बात करें तो इसमें भी अगर आप 25 से डिवाइड करें तो 25 छके होता है 150, ये भी हो गया कट, 9 बच गया। फिर 184 है तो 184 में जब आप 25 का भाग देंगे तो 25 7 बार बजेगा, 25 7 जो होता है 175, तो वहां पे आपका कितना बचा, यानी 25 का जब 7 बार करेंगे तो होगा 175, और 175 जब 184 में से माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 9। तो ये था हमारा
प्रश्न जो कि समान शेष, ये देखिए है ना कि प्रत्येक दशा में नौ शेष बचे, तो नौ यानी कोई भी नंबर हो और जब तीनों में वही शेष बच रहा तो उस शेष को हम माइनस करते हैं और उसका जो भी नंबर मिलता है उसका हम एचसीएफ निकाल देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो ये था हमारा क्या पहला प्रश्न। आते हैं सेकेंड नंबर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो इससे अलग है, ठीक है ना, इससे अलग है। तो इसका जो कंसेप्ट था उसको नोट कर लीजिएगा कि जब एक संख्या सभी संख्याओं में एक ही संख्या शेष बचती है तो संख्या को माइनस कर देते हैं, जो भी नंबर मिलता है उसको हम क्या करते हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं, वही हमारा आंसर होता है। अब ये जो है वो कंसेप्ट अलग हो गया, उसका फर्स्ट वाले का कंसेप्ट अलग था, इसका कंसेप्ट अलग है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें भी तो बड़ी से बड़ी कह रहा है, ये नोटिस करिएगा बार बार कि एचसीएफ निकालने को कह रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या करना है, इन तीनों में डिवाइड करने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर भी दिया था आपको, पिछले वाले में नंबर दिया था नौ, ये प्रत्येक दशा में नौ शेष बचे, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर्स दिया नहीं, समान शेष की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या आप किसको माइनस करेंगे, तो अब तो कोई नंबर्स है नहीं, क्या समान शेष को माइनस कर सकते हैं, नहीं। तो नंबर्स में से हम माइनस क्या करें, माइनस तो करना ही है। तो देखिएगा इसका प्रोसेस होता है, कौन किससे बड़ा, देखिएगा ये बड़ा इससे और ये बड़ा इससे, ठीक है ना। तो हम तीनों नंबर्स को इन्हीं नंबर्स को माइनस करते हैं, इसमें 524 जो दिया है, 524 किससे बड़ा है भाई, बड़ा 351 से, तो उससे माइनस कर दीजिए। तो देखिएगा 524 में 351 माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, 524 में से 351, चार में से गया तीन और ये 12 में से पांच गया सात और ये पांच में से तीन गया दो, इसको दे दिया ना, तो ये चार में से तीन गया एक, ये पहला नंबर मिल गया आपको 173। दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, 697, उसमें से कौन छोटा है भाई, 524 छोटा है, माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 में से 4 गया 3 9 में से 2 गया 7 6 में से 1 गया 5, 173 आ गया, ये भी तो सेम आ गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है 697 में से 351 माइनस करेंगे भाई, ये माइनस हो गया इससे छोटा जो था वो माइनस हो गया, अब इसमें से ये माइनस हो गया क्योंकि 697 से 524 छोटा था, लेकिन 697 में से 351 भी तो छोटा है तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो 697 माइनस 351 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा 7 में 7 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और ये 6 में से 3, ये 5 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया ना। अब बात समझिएगा, यानी इसका कंसेप्ट क्या है, ये बड़ा है इससे तो इसमें से ये घट गया, लेकिन ये जो बड़ा है इन दोनों से तो इस बड़े वाले में से इन दोनों नंबर्स को घटाएंगे, अब हमें तीन संख्याएं मिल गई, तीन संख्याएं क्या हो गई, मिल गई। अब जो तीन संख्याएं मिल गई इन्हीं संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, उसका कंसेप्ट था कि हम जो संख्या दिया है उसको माइनस करेंगे, इसका कंसेप्ट है कि हम पहले नंबर्स को एक दूसरे में से माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले से माइनस कर देंगे बड़े वाले में से। तो यहां से हमें माइनस करने पर मिला 173 और 346, इन तीनों नंबर्स का हम निकालेंगे फिर एचसीएफ। तो ये देखिए समझ में आ रहा है कि 173 जो है क्या है, वो एक अभाज्य संख्या है, तो इसका 173 ही हो जाएगा फैक्टर। अगर हम 173 की बात करें तो ये भी 173 ही हो गया, और अगर बात किया जाए 346 का तो 2 × 173, बात समझ में, 2 × 173। अब इसमें जो जो मैच कर रहा उसको मिला दीजिए तो वही हमारा आंसर होता है, यानी एचसीएफ आपको क्या मिल गया 173, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है ना। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो तीनों को डिवाइड करने पर सेम शेष बचाएगी, तो वो 173 है। अगर 173 आप तीनों संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में आपको सेम शेष बचेगा। अगर यहीं पे हम बढ़ा दें, ये तो पता चल गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी 173। लेकिन यहीं पे बढ़ा देते हैं, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और शेष ज्ञात कीजिए। हो गया क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, अब हमें शेष भी बताना है।
तो शेष बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बड़ी संख्या मिली गई है तो डिवाइड करके हम शेष निकाल सकते हैं। अब यहां से देखिएगा 173 डिवाइडेड बाई क्या है, किसी भी नंबर्स में डिवाइड कर दीजिए, 351, ठीक है ना। ये जाएगा आपका 17 × 2, दो बार में जाएगा, देखिए 17 × 2 = 34, 3 × 2 = 6, माइनस करिए, 11 में से 6 गया 5, यहां से हो गया आपका देखिएगा 3 × 2 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 1 = 3, 11 में से 6 गया 5 और 351 था ना, और यहां से हो गया आपका 5 में से 4 गया 1 और ये हो गया कैंसल, 15 आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम नंबर्स को लेकर चलते हैं, तीन क्या है, 524 डिवाइड करिए 17 × 3 = 51, 17 तीन बार में जाएगा, 3 × 3 = 9 और ये होगा 3 × 7 = 21 और ये हो गया आपका 3 × 1 = 3, 2 = 5, बात समझिएगा। 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो 5, 2 में से 1 गया, देख रहे हैं, यानी कि शेष क्या मिल रहा है, किसी भी नंबर्स में डिवाइड करिए, हमने इसमें भी दिया तो 15 शेष बचा, इसमें भी दिया तो 15 शेष बचा, अगर आप नेक्स्ट वाले में भी देंगे तो 15 ही शेष बचेगा, यानी वो शेषफल क्या हो गया, जो प्रत्येक दशा में सेम बच रहा है, सेम सेम, तो वो आपका समान शेष क्या हो गया, 15, ठीक है। तो शेष पूछेगा तो 15 और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 173। ये था हमारा HCF पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो LCM HCF के जो चैप्टर, उससे प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये था HCF के कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब दो जो प्रकार बता, आप अपने बुक में देखिएगा, हर किताब में इस प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, एंड टाइप 5, ये तो 6 हो गया ना, तो टाइप 6 हो गया शेष पर, टाइप 5 था केवल HCF पर आधारित प्रश्न और टाइप 6 हो गया HCF के शेष पर आधारित प्रश्न। इन दोनों प्रकार के जितने भी आपके बुक में प्रश्न है उनको सॉल्व करिएगा, और जो भी प्रश्न अगर आपको डाउट करें, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप क्या करेंगे, 7398381297 पे अपना नेम लिखकर भेजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।